ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए। निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से नया विस्तारित दिव्य भव्य रूप दिया गया है और इसकी शुरुआत 19 में प्रधानमंत्री ने इसके विस्तारित कार्यक्रम के तहत की थी और पहले फेज का काम 339 करोड़ रुपए के तहत किया गया है, जिसमें कुल 23 नए भवनों का एक तरीके से निर्माण हुआ है और तमाम विधि विधान के साथ इस वक्त पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। घन तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है, और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति आदर प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता अपने आप में एक ऐसी
व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया, निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है और ऐसे अमृत को ग्रहण करना अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है और कई प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान काल भैरव के दरवाजे पे जाना और वहां पर माथा टेकना और अनुमति लेना कि मैं काशी आया हूं, आपको शीश नवाने आया हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं, मैं अब आगे जाऊंगा बाबा के दर पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद कोतवाल निकाला है बाबा काल भैरव को और खुद वहां पर एक अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और तमाम आज के जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो वो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया और वहां पर उनको भगवान काल भैरव का एक चित्र भी भेंट स्वरूप दिया गया है यहाँ के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की जो एक तमाम प्रकार से आगे की जो कार्यवाही चल रही उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले फेज का जो काम आज कंप्लीट हुआ है, लगभग 339 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं को जमीन पे उतारा और उकेरा गया है, ऐसी परियोजनाओं के तहत आज उनको श्रद्धालुओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधान सेवक हैं और उनके मन में अपने संसदीय क्षेत्र की जो एक महिमा है, गरिमा